ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए पहला संवेदी पार्क बनाया गया है। ये पार्क भुवनेश्वर के शहीद नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास ने कहा कि स्पेशल लोग यहां ओपन एयर थेरेपी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न गतिविधियों को करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि चोट की चिंता किए बगैर वो यहाँ झूलों का आनंद भी ले सकते हैं। हर तरह की जो सिस्टम है इसमें वो लोग खेल सकते हैं, इसमें थेरेपी भी ले सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी, और जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं, जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, पार्किंसन हैं, या ये लोग भी यहाँ मजा उठा सकते हैं, और वो जो ओपन एयर थेरेपी है उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो उनके लिए जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हुआ है वो भी डिजेबल फ्रेंडली है, वहाँ का जो टॉयलेट है वो भी डिजेबल फ्रेंडली है, तो ये लोगों के लिए कोई विपद नहीं है, कोई डेंजर नहीं है उनके लाइफ के ऊपर, वहाँ मस्ती कर सकते हैं वो लोग। बता दें, पहले स्पेशल बच्चों को पार्क में झूला झूलने में कठिनाई होती थी, हर वक्त चोट लगने का डर लगा रहता था, लेकिन भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास की पहल की वजह से अब ना सिर्फ स्पेशल बच्चे बल्कि स्पेशल लोग भी इस पार्क में मनोरंजन कर सकते हैं। स्पेशल खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।